हेलो हेलो। मस्तरंगीज, वेलकम टू अनदर व्लॉग गाइस। तो बेसिकली आज हम ये व्लॉग में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिसके हिस्ट्री के बारे में पढ़ के हमें बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया कि एटलीस्ट एक हॉरर का एक पॉजिटिव साइड भी है। सो दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग फॉर अस, और हमने पूरा पढ़ा और बहुत मजा आया कि यार ये तो शेयर करना बनता है। मतलब लोगों को सुन के भी, ये कहानी सुन के भी अच्छी लगेगी कि वो उस जगह का राज क्या है, क्यों है, क्या मिस्ट्री है, क्या होता है। एंड इट्स जस्ट आई एम श्योर कि आप लोगों को बहुत 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 ज्यादा ये अच्छा लगेगा। और हम जगह के बारे में अभी बहुत जल्द बात करने वाले हैं, बट उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना है, जो मतलब वी बोथ गॉट रियली एंग्री, बट आई नो हम लोग को नहीं होना चाहिए। वी शुड बी काम एंड एवरीथिंग। एंड ऐसे तो कमेंट्स आएंगे, क्रिटिकल कमेंट्स आएंगे, लोग बोलेंगे 10 तरह की बातें लोग बोलते हैं। हर एक बात का हम मतलब ये नहीं कर सकते, इट्स ओके देयर थॉट, बट इतना लंबा मैसेज देख के हमने सोचा एक छोटा सा हम लोग सिर्फ उनको मैसेज पहुंचाना चाहते, जिन्होंने इतना लंबा मैसेज हमें भेजा है कि मेहनत हम की बहुत उन्होंने। थैंक बहुत बहुत बाप रे यू आपको, इतना लंबा मैसेज, बाबा रे बहुत अच्छा थैंक यू। लगा। हम तो बहुत डिटेल में पढ़े हैं, पूरा मैसेज पूरा डिटेल में पढ़े हैं, और उसका जवाब आपको आज हम दे रहे हैं। नहीं, हम शाकाहारी नहीं बनेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपने बोला, हमने सुना, हमें आपकी बात यस नहीं समझ आई, हम नहीं बन सकते, आई एम यस सॉरी। सॉरी। योर बिलीव्स, योर रिलीजन वी रिस्पेक्ट तहे दिल से। उसका कुछ हम लोगों को मतलब कोई मतलब नहीं, मतलब एब्सोल्यूट रिस्पेक्ट टू दैट, बट सॉरी जो आप जो ये रिलीजन के नाम पे लोगों को फोर्स करते हो रिक्वेस्ट बोल के, ये चीज ना करें, ये गलत है। बात सिर्फ नॉनवेज खाने तक की नहीं होती, बात होती है फ्रीडम। इंडिया को मतलब फ्री कंट्री कहा गया है, और मतलब अगर आपको कोई ऐसा फोर्सफुली करता है तो आप उसे बिल्कुल मना कर सकते हैं, नहीं भाई मुझे नहीं होगा, आपका राइट बनता ही है। एब्सोल्युटली इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले सकते हो आप। एब्सोल्युटली सो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इसमें कोई बुराई हाँ, नहीं है। आपकी लाइफ है, हाँ, आपकी चॉइस है। आपने हमें सजेशन दिए, हमें आपके सजेशंस अच्छे लगे, लेकिन हम उस पर नहीं चल सकते क्योंकि हमारी लाइफ है, हमें दूर तक सोचना होता है, हमें बहुत सारी चीजें करनी होती है लाइफ में। जैसे आज हम फूड रिव्यूज करते हैं, अगर मैं वो बोलूं कि मैं ये नहीं खा सकता ऑर्डर करके, फिर तो हम आपको कहाँ मैं से काम कैसे करेंगे? बताएंगे, हम आपको कैसे बताएंगे कि इसका टेस्ट क्या है, इसमें क्या डला हुआ है और कितना फ्रेश है या नहीं है। तो हमें ये करना पड़ता है हमारा ऑडियंस सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑडियंस नहीं है, वी हैव अ जी, वैरायटी। एक जैसे हाँ, लेकर हम लोग चलते हैं हम। रिलीजन विलीजन में भेदभाव नहीं करते यस, हैं, और हमें मतलब कोई वेजिटेरियन है नॉन वेज उसमें भी कोई कोई प्रॉब्लम नहीं भेदभाव है। नहीं हाँ करते, कोई रेस्ट कास्ट क्रीड के अगेंस्ट हम कोई भी भेदभाव नहीं करते। वी बिलीव एज ह्यूमन बींग्स वी आर वन, वी लव इच अदर, और मैं वही मेंटेन करके चलती हूँ। तो जहां तक बार बार जो ये शब्द यूज किया गया कि आप मर्डर कर रहे हो और जानवरों को मार रहे हो एंड ऑल ऑफ दैट, भाई आप भी पेड़ पौधों को मार ही रहे हो, और पेड़ पौधों की जरूरत तो सबसे ज्यादा यार, हमें है। मर्डर तो ये पेड़ पौधे जो काटे जा रहे हैं इसको आप स्टॉप करा सकते हैं तो स्टॉप कराए, क्योंकि इससे हमें ऑक्सीजन मिलता है। यस साइकिल ऑफ लाइफ में 70% जो है पेड़ों का हाथ है, यानी कि ये बहुत जरूरी है। अगर नहीं होगी, अगर ये पेड़ ऐसे काटते रहेंगे लोग, अगर इसको नहीं प्लांट नहीं लगाएंगे सब लोग, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। पोल्यूशन बढ़ेगा, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं आएगा, लोग बीमार होंगे। नहीं, और ये साइकिल ऑफ लाइफ के बारे में भी बोला गया कि इंसान की तादाद इतनी बढ़ रही है तो इंसान को काट के खाओ। सर, हैव यू हर्ड ऑफ द वर्ड कॉल्ड कैनिबलिज्म? प्लीज डू अ गूगल रिसर्च, आई एम श्योर यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ ट्राइब्स जहां पे कैनिबलिज्म अभी भी है। यस, सो प्लीज ज्ञान देने के पहले थोड़ा सा सोच ले, हम आपके अगेंस्ट नहीं है, हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, हम बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। और क्या है, हम शेयर ही कर रहे हैं ना कि एक खाना कैसे बनाया जाता है, क्या होता है, उस क्या हो गया। और उसमें कुछ मैं ऐसा मैमल्स टाइप की चीजें मैं नहीं दिखा रहा हूं आपको। चिकन है, फिश है, ये दो डिश पे खेलते हैं। अब ना मटन कोई नहीं, मटन नहीं मट दिखाया हमने, बट मट इट्स ओके। मटन दिखाया है मुझे, हाँ मुझे मटन का याद नहीं था, बट ये सब जो चीजें हैं ये अलाउड है, इसलिए हम खाते हैं। अगर इस पे प्रॉब्लम होती तो गवर्नमेंट बैन लगा सकती थी। सो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अपनी राय हमें ऐसे देते रहिए, और जो भी
मतलब आपका डिसीजन मेरा डिसीजन हो, अपने हिसाब से लीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ है ये। प्लीज आपकी लाइफ आपकी चॉइस है, हम कुछ नहीं बोल रहे, तो हमारी लाइफ हमारी चॉइस है, प्लीज डू नॉट से अब चलते ऑल हैं आगे की तरफ। और आज का टॉपिक है, मुझे पता है कि इसके बारे में बहुत लोग बचपन से जानते होंगे, बहुत नाम सुना होगा, डेफिनेटली सुना होगा, और आज उसके अंदर कई जो लोग तो शायद चीज विजिट भी किए होंगे। विजिट भी किए होंगे, और उस जगह के अंदर जो चीज रहती है, आज मैं उसके बारे में बात करने उस वाला हूँ। जगह के बारे में हम बात उस करने वाले हैं, क्योंकि वो इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस माना और जाता है, बहुत पुराना है ये, बहुत ज्यादा पुराना है। बहुत सालों पुराना है। हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं फिरोज शाह कोटला फोर्ट की, जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है। तो ये फोर्ट 1354 साल में बनाई गई बाय सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने ये फोर्ट तब बनाई थी जब उन्होंने अपना कैपिटल तुगलकाबाद से फिरोजाबाद में शिफ्ट किया। और ये बेसिकली शिफ्टिंग का कारण ये था कि तुगलकाबाद में तभी वाटर शॉर्टेज बहुत हो रहे थे, पानी की कमी बहुत हो रही थी, तो इसीलिए उन्होंने अपना कैपिटल इधर शिफ्ट किया, तभी ये फोर्ट बनाया गया। ये फोर्ट यमुना रिवर के पास है और उन्होंने उधर बनवाई क्योंकि तभी उनको लगा कि हाँ, इससे हमारी पानी का जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट हो जाएगी, तो तभी जाके उन्होंने ये फोर्ट वहां पे बनवाया। ये फोर्ट जिन्होंने विजिट किया है, जिन्होंने देखा, उनको पता ही है कि कितना खूबसूरत फोर्ट है। हालांकि इतना इतना पुराना फोर्ट है, आज तक वो फोर्ट की सुंदरता की बात की जाती है, एंड इट हैज गॉट ब्यूटिफुल, मतलब आर्किटेक्चर उसका बहुत अच्छा है, जो रूम्स है उसके बहुत अच्छे है। एक अंडरग्राउंड वो भी है, अपना जेल जैसा जो होता है ना, वो अंडरग्राउंड एक वो भी है। सो इट्स बेसमेंट, बेसमेंट में सेल, बेसमेंट सेल, हाँ बेसमेंट सेल, बेसमेंट सेल। तो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस, और ऑफकोर्स इट्स लाइक वन ऑफ द मोस्ट टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शंस, और सिटी के थोड़े से बाहर एरिया में है, तो उतना शोरगुल वहां पे नहीं है। तो मानना ये है कि 1977 से एक अफवाह बोल सकते हो, या लोगों के मुंह से एक बातें निकली थी, मान्यता भी बोल मान्यता बोल सकते हो, कि लोगों का ऐसा ट्रस्ट है, ऐसा कहते हैं लोग, कि यहाँ पे डीजींस रहा करते हैं। डीजींस वो होते हैं जो मोस्ट पावरफुल, मतलब इनसे ज्यादा ताकत किसी चीज में नहीं होती सिवाय भगवान के। तो ना ये भूत होते हैं, ना इंसान होते हैं, लेकिन इनका एक अलग ही कम्युनिटी है, कौम है, मतलब ये फैमिली के साथ रहते हैं, इनकी फैमिलीज भी होती है, और हजारों हजारों और साल ये तक जीते हैं। इनका साल कब तक ये जीते हैं, कितने पुराने हैं, ये कोई नहीं जानता एग्जैक्टली। हाँ। ये हो सकता है 200 साल पुराने हो, 2000 साल पुराने हो, तो इतने पावरफुल होते हैं क्योंकि इनकी लाइफ इतनी बड़ी होती है। अभी तक एक्चुअल किसी ने नहीं बताया कि डीज इनकी जिंदगी होती कितनी बड़ी है। और डीजन किसी भी रूप में आ सकते हैं, उनके अंदर एक पावर होती है, बेसिकली वो एक आग के बने होते हैं, और वो आग ऐसी होती है जिसमें कोई धुआं नहीं होता। हाँ, ये कहा जाता है कि ऐसा है कि इंसान मिट्टी से बना है और डीजिंस जो है स्मोकलेस फायर से बने। हाँ, डीजिंस जिस वजह से ह्यूमन से अट्रैक्ट होते हैं, हमारे बीच आते हैं, कई बार ऐसा होता है कि किसी के खुले बाल उन्हें अच्छा लग गया। हाँ, किसी ने कोई परफ्यूम या इतर लगाया है, उसकी खुशबू उन्हें अच्छी लग गई, और ये तो, लगता ही है। हाँ, तो खुले बाल एंड फ्रेग्रेंस इज लाइक देयर वीकनेस, और वो पीछे चले आते हैं फिर, या किसी को बहुत पसंद आ गए, मतलब किसी को चाहने लगे वो, या उनको प्यार हो गया, या समथिंग काइंड ऑफ, तो पजेस कर लेते। हाँ, एक कोई अट्रैक्शन, कोई भी एक अट्रैक्शन हुई तो आपके पीछे आएंगे ही आएंगे। उन्हें कोई ऑपरेट नहीं कर सकता, उन्हें कोई भेज नहीं सकता, वो अपने मन के मालिक होते हैं। सो माना ये भी जाता है कि ये बहुत अच्छे किस्म के होते हैं, मतलब 10% आप बुरे होते हैं, 90% अच्छे होते हैं, क्योंकि ये लोगों के विश पूरे करते हैं, लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और लोग ऐसा मानते हैं, ऐसा हार्ट पर बिलीव करते हैं। सो इनका एक ही प्रॉब्लम है कि शाम के बाद इनकी जो एक लाइफ होती है वो डिस्टर्ब ना हो। हाँ, ये भी कहा जाता है, ये जहाँ रहते हैं, ये जहाँ रहते हैं उनको डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है, ये अपने मन के मालिक है, आपके लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन आपसे अगर कोई चीज मांग लिया तो क्या आप दे पाओगे? वो इतने डेंजरस होते हैं, और वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं मांगते,
वो सीधा एक सैक्रिफाइस मांगते हैं, वो सैक्रिफाइस किसी भी उनको गुस्सा आ गया तो फिर वो बहुत खतरनाक हो सकता है, वो गुस्सा आ गया तो फिर क्या ही कहना है। मतलब मैंने अपने बचपने में देखा है, मजार के पास एक बाबा रहा करते थे, लिटरली लोगों को ऐसे उड़ा के फेंका है, मतलब लोगों को उठा के फेंका है जिसके अंदर ये आया हुआ था, वो एक लड़की के अंदर था और उस लड़की के बाल उसे बहुत खूबसूरत लग रहे थे, बांध ली मैंने। हाँ, सो ये फैक्ट है गाइस। अब जो जो इस डी जीन के बारे में जो जानते होंगे उन्हें पता होगा कि उनके क्या पसंद है क्या पसंद नहीं। सो कमिंग टू फिरोज शाह कोटला फोर्ट, कहा जाता है कि ये डी जीन्स वहाँ पे रहते हैं और लोगों की कागार, मतलब लिटरली लोगों की कागार वहाँ जाती है। बहुत सारे लोग आते हैं जो लेटर्स छोड़ते हैं अपने प्रॉब्लम्स लिख के कि मुझे, हाँ, कि मुझे ये प्रॉब्लम है प्लीज सॉल्व इट फॉर मी, ऐसे ही करके लेटर्स छोड़ते हैं फोर्ट के अंदर। और कई लोग तो एक ही लेटर का इतना सारा फोटो कॉपीज बना के जहाँ जहाँ पॉसिबल फोर्ट में वहाँ वहाँ छोड़ देते ताकि लेटर उनका मिस ना हो। और कई लोगों का एकदम मतलब स्ट्रॉन्ग बिलीफ है ये कि उनके जो विश है वो फुलफिल हुए है, मतलब वो लोग स्ट्रांगली मानते हैं कि हाँ वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं और उनके जो लेटर्स का जो रिक्वेस्ट था प्रॉब्लम था वो सब सॉल्व हो गया है। तो जैसे कि विवेक ने ऑलरेडी मेंशन किया कि 1977 से ये बातें फैलना शुरू हुई, 1977 में एक सेंट था लड्डू शाह जो वहाँ आके रहने लगे और वो ये बोलने लगे कि हर गुरुवार को जिन्स यहाँ पे आते हैं और रहते हैं। तो लोग यहाँ पे आते हैं, उनके लेटर्स सिर्फ नहीं लेके कैंडल्स लेके आते हैं और धूप बत्ती जलाते हैं, फिर वो लोग दूध का कटोरा, खाना और फूड ऑफरिंग्स सब ये करते हैं लोग वहाँ पे आके। सो इट्स वेरी शॉकिंग कि एक्चुअली पीपल बिलीव दैट देयर लेटर्स विल बी रेड, मतलब उनके चिट्ठी पढ़ के उनके प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। उनका ऐसा मानना था कि अगर मैं इनको खुशबू पसंद है, इन्हें खाना पसंद है, अगर मैं इन्हें अच्छा पकवान या अच्छा एक वातावरण दूं इनकी उस मानी हुई जगह पे जहाँ ये आते हैं, तो इनका सबका जो भी मनोकामना जो भी इच्छा होती है पूरी होती है। उसमें जो भी लिखा होता है सिर्फ उनको पता होता है कि जिसकी वो इच्छा है वो क्या लिखा है सिर्फ उसे पता होती है, या फिर उन्हें पता होती है जिनके लिए ये मैसेज छोड़ते हैं। मैं नाम बार बार नहीं ले रहा हूँ क्योंकि रियली शाम के टाइम पे नहीं लेना चाहिए। मैं बिलीव करता हूँ वो कहीं भी, इवन आई बिलीव शाम के टाइम पे नहीं लेना चाहिए, कहीं से भी सुन सकते हैं, हमें कहीं से भी देख सकते हैं। और हमने कई बार नाम ले ली तो आई एम जस्ट अवॉइडिंग दैट नाउ। सो लोग अपने अपने तरीके से, मतलब जो से किसी के पास बहुत पैसा है तो थोड़ा अच्छा खाना, किसी के पास कम है कैंडल फ्रूट्स वगैरह खजूर उन्हें जो भी पसंद है। और उनके काम हुए हैं इसीलिए आज भी टूरिस्ट जाते हैं अपने मैसेजेस वहां तक ड्रॉप करने के लिए। हाँ। क्योंकि जो बहुत कई बार होता है ना कि इंसान थक जाता है, हर काम करके देख चुका होता है, लेकिन कई बार वो नहीं होता। हाँ। when तो ठीक है, अगर बिलीफ है तो क्यों ना, व्हाई नॉट, आई मीन उसमें सब करके देख लिया, मतलब सारी मेहनत देख ली, तो एक इंसान को लगता है कि ऐसा तरीका हो कि शायद यहाँ जाने से हो जाए मेरा काम। तो अगर बिलीफ है तो वो, अगेन वही बोल रही हूँ कि बिलीफ है तो क्यों नहीं, दैट मींस काम होता है, दैट मींस काम वही लोग करते हैं जो अच्छे होते हैं। सो यहाँ पे जो भी है वो बहुत अच्छे डीजीन्स हैं। नाम मतलब और लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ पर एक्सोरसिज्म भी होते हैं, क्योंकि जिनके जो पोजेस होते हैं जिनके भी ऊपर ये सब चीजें आई होती है, इविल स्पिरिट्स बेसिकली, हां सो वो वहां जाते हैं ताकि वहां पे जाकर वो ठीक हो सके, उनसे कम्युनिकेट कर सके कि आप इनके अंदर क्यों हो, आपको क्या चाहिए एलसेट्रा जो भी होता है, और उनकी जान बच भी जाती है। और वहां पर सबसे ज्यादा जाने वाले लोग कौन है पता है, ये वही लोग हैं जिनके विशेष पूरे होते हैं, और ताकि वो वापस जाएं उनका कोई विश हो तो वो भी पूरा हो सके। सो एक अच्छी बात है वहां की, लेकिन सुनने को तो थोड़ा डरावना लगता है, क्योंकि मतलब जो चीज है और जिन्होंने कभी फेस किया होगा उनसे कभी पूछ के देखो आप क्या देखा है और क्या हुआ उनके साथ। और जैसे कि विवेक ने ऑलरेडी पहले बोला कि शाम के बाद नहीं उनसे इंटरेक्शन करना चाहिए, बहुत एक्टिव होते हैं। हाँ, तो यहाँ पे भी ये फोर्ट में भी आपको मतलब किसी को भी शाम के बाद जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि शाम के बाद अगर जाओ तो
इट विल बी वेरी डेंजरस. सो इसीलिए शाम के बाद ये फोर्ट को विजिट करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, जो भी होता है सब दिन में. इसीलिए शायद गवर्नमेंट ने 6 बजे के बाद वहां से लोगों को हटा देते हैं, निकाल लेते हैं, ताकि कोई हादसा ना हो जाए, क्योंकि ये सब पैरानॉर्मल चीजें हैं. समझ में कुछ नहीं आता, मेडिकल साइंस में आज तक इसको मान्यता नहीं है. सही क्योंकि मेडिकल और शायद हमारा जो कानून प्रथा है वो आंखों देखा और जस्टिस प्रूफ पे, बेसिकली प्रूफ पे काम करते हैं, लॉजिक पे काम करते हैं. और इस पे लिटरली अगर आप किसी को बोलोगे मैंने उड़ता हुआ इंसान देखा, कोई नहीं मानेगा. और ये चीजें होती है, ऑफ कोर्स होती है. तो यही सारे इंसिडेंट्स है फिरोज शाह कोटला फोर्ट का. अगर आप लोगों को अच्छा लगा और आप लोग ये विजिट करना चाहेंगे तो हमें डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि हम दोनों तो एक्चुअली एक्साइटेड है कि मौका मिले तो डेफिनेटली जाएंगे. और फिरोज शाह कोटला से रिलेटेड आपको इस बारे में कोई भी जानकारी है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं. और क्या आप उन्हें फेस करना चाहोगे? दिन में तो ऐसे कोई डेंजर वो होता नहीं है क्योंकि काफी सारे टूरिस्ट जाते हैं. अगर वो आपको बट अगर दिखे तो क्या करें? अगर आपको पता है कि आप जिस जगह पे खड़े हो वहाँ पे वो चीज मौजूद है, आपका रिएक्शन क्या होगा मुझे वो जानना है. राइट. आप क्या करोगे? सो गाइस बस इतना ही आज के लिए. आई होप आज का व्लॉग आप लोग को अच्छा लगा हो. प्लीज आप लोग कहानियां भेजे हमें, आपकी कहानी आपकी जुबानी के लिए. और आदित्य मैंने बहुत डांटा है इसको, वो मैसेज पढ़ के रिप्लाई करेगा. मैं यहाँ पे बारिश बहुत हो रही है और मैं इतना बिजी हूँ कि मैं बाहर जाता हूँ प्लास्टिक में करके, मतलब एक रैपर में करके अपने फोन को उसमें रख देता हूँ, और जब टाइम होता है घर आता हूँ तो कभी देख पाता हूँ कभी नहीं देख पाता, उसके लिए सॉरी. और मतलब मेरी तुम्हारी कम्युनिकेशन हो चुकी है थ्रू चैट, सो टेंशन ना लो और इस पे भी हम जल्दी काम कर रहे हैं. यस एब्सोल्युटली. सो प्लीज आपके स्टोरीज हमें भेजे, आपकी रेसिपीज हमें भेजे और हम डेफिनेटली आपके हमारे चैनल में शेयर करेंगे. हम दोनों को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और वहां पे हमें मैसेज करें. और हमारी ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, इंक्लूडिंग आवर इंस्टाग्राम लिंक्स. अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले. दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे गाइज. मिलते हैं अगले व्लॉग में. टिल देन बाय.